everyone, how are you all doing? Welcome to your class. Today we are starting with new chapter from your book Literary Journeys and English Reader Pre-Primer Book by Brainroot Series. तो हमारे चैप्टर का आज नाम है स्टोरी टाइम. आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगे और ये तो मैं श्योर ही हूँ कि आप सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, राइट? सबको पसंद है स्टोरी सुनना. तो चलिए इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ेंगे. अ माउस डिस्टर्बड अ लायन. तो एक बार क्या हुआ था, एक लायन आराम से रेस्ट कर रहा था, एकदम से एक माउस आया और उसे परेशान करने लग गया. डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान करना. द लायन वॉन्ट्स हिम नॉट टू डिस्टर्ब हिम. लायन ने क्या बोला कि माउस मुझे डिस्टर्ब मत करो. उसको वार्न करा मतलब उसको चेतावनी दी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. वंस द माउस हेल्प्ड द लायन बाय कटिंग द नेट इन विच द लायन वॉज ट्रैप्ड. तो एक बार क्या हुआ था, जो लायन था ना वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गया था, ठीक है? वो बहुत बड़े ट्रैप में फंस गया था और उसको किसने बचाया था, उसको इस प्यारे से चूहे ने बचाया था. कैसे बचाया था, उसके नेट को अपने टीथ से कट करके, ठीक है? Thus the lion and the mouse became friends. तो पहले तो लायन और माउस फ्रेंड्स नहीं थे, पर जब माउस ने लायन की हेल्प करी तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, राइट? ऐसे ही होता है ना, इसलिए बोलते हैं हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए. ठीक है बच्चों, समझ आइए बात. चलिए सो इतना ही था इस स्टोरी में. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट नाउ. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.